एक तरफ आजादी की लड़ाई और दूसरी तरफ किसानों के हित। भारत माता को आजाद भी कराना और उसके सपूतों यानी अन्नदाता को समृद्ध भी बनाना। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल सहित संपूर्ण कांग्रेस इसको ध्यान में रखकर कार्य कर रही थी। कांग्रेस ने अधिवेशनों के जरिए गांवों में जाकर, किसानों के बीच जाकर, उनकी बात सुनकर किसान और गांव केंद्रित नीतियां बनाई। ऐसे नहीं कि आपदा में अवसर खोजते हुए किसानों पर काले कानून थोप दिए गए। 1936 के फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने अखिल भारतीय कृषि कार्यक्रम की नीति अपनाते हुए खेती सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। साथ ही कांग्रेस ने प्रांतीय समितियों को अपने प्रांतों में कृषि संबंधी समस्याओं की जांच करने और प्रांतीय कृषि कार्यक्रम निर्धारित करने के निर्देश भी दिए। कांग्रेस की इस अखिल भारतीय कृषि कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य थे किराया राजस्व में भारी कमी, ग्रामीण ऋण के बोझ, किराए और राजस्व बकाया से राहत, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा बेची या जब्त की गई जमीन और संपत्ति की वापसी, वेतन में कमी किए बिना मजदूरी का समय सिर्फ 8 घंटे, बेरोजगारी से राहत और सबसे महत्वपूर्ण सभी दमनकारी कानूनों की वापसी। यानी कांग्रेस तब भी काले कानूनों की वापसी के लिए अंग्रेजों से लड़ रही थी और आज भी स्थितियां बदली नहीं है, बस अंग्रेजों की जगह उनके अनुयायी बैठे हैं। किसानों को पूरा दाम न मिले या तो बहुत कम दाम मिले, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो किसानों को ज्यादा दाम दे, वो तो मैं समझ सकूंगा, और वो किसानों को ज्यादा दाम देते हैं इससे कोई दाम बढ़ता है वो तो दूसरी बात हो गई। सच्चा हिसाब करने की बात हुई तो हिसाब सच्चा करें। किसानों को कमजोर करके हिंदुस्तान पर हुकूमत चलाने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन उनको भी मुंह की खानी पड़ी थी। खेती और किसानी हिंदुस्तान की आत्मा है और इससे जो भी खिलवाड़ करेगा उसके रास्ते में कांग्रेस खड़ी मिलेगी, क्योंकि किसान है तो देश है। जय हिंद।